नमस्कार तुला राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों हो जाइए सावधान, एक अमंगल घटना होकर रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जो मजाक समझने की गलती करेगा वो जिंदगी भर पछताएगा और जिंदगी को भी गवा सकता है। जी हाँ तुला राशि वालों, क्योंकि दोस्तों अंतरिक्ष के कुछ नकारात्मक ग्रह सीधा सीधा आपके ऊपर असर डालने वाले हैं। उसके लिए तुला राशि वालों अगले 7 दिन तक क्या सावधानियां बरतनी है, कौन सी बातों का विशेष ध्यान में रखकर कार्य करनी है, किस तरह से संभल कर रहना है, अगले 7 दिन तक कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इन सभी की विस्तृत जानकारियां देंगे तुला राशि वालों। ग्रह गोचर के आधार पर 100% सटीक आने वाले अगले 7 दिन व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व अन्य सभी स्तरों पर क्या असर पड़ने वाला है और कौन से बदलाव लेकर आने वाले हैं। तुला राशि वालों, यह जानने से पहले वीडियो को एक लाइक अवश्य प्रदान करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में कालों के काल जय श्री महाकाल, देवों के देव जय महादेव, जो भी भक्त सच्चे दिल से लिखेगा उनके एक भी काम अधूरे नहीं रहेंगे, सारे काम संपन्न हो जाएंगे। तो चलिए तुला राशि वालों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक सुंदर अनमोल विचार से। बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है, वह हरगिज नहीं बख्शे जाते हैं जिनकी नियत खराब होती है। न मेरा एक होगा न लाख तेरा होगा, न तारीफ मेरी होगी ना मजाक तेरा होगा। गुरूर न कर साह ए शरीर का, तेरा भी खाक होगा मेरा भी खाक होगा, और होगा वही जो राम रची रखा है। कहने का तात्पर्य बिल्कुल सीधा सीधा है, कभी भी हमें खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पानी में जब पत्थर जाता है तो वह अपने ही वजन से डूब जाता है। इसलिए इंसान को घमंड बर्बाद करके रख देता है। जब आपको किसी भी चीज़ का घमंड आने लगे तो एक बार शमशान की ओर चक्कर लगा आना, हमारे और आप जैसे बड़े बड़े राख बने पड़े बैठे हैं। बात अगर आपको समझ आई हो और इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की नारा लग ही जाना चाहिए। चलिए जानते हैं आने वाले अगले 7 दिनों में कौन सी अमंगल घटना आपके साथ घटने वाली है। तुला राशि वालों, अगर आप साझेदारी में कोई डील या कोई काम एक साथ मिलकर करना चाहती हैं तो आने वाले अगले 7 दिन तक सावधान हो जाइए, क्योंकि अंतरिक्ष के जो ग्रह हैं वो इस बात को लेकर काफ़ी बड़े संकेत दे रहे हैं, आपको उसमें नुकसान हो सकता है या आपके साथ ठगी या धोखाधड़ी हो सकता है। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो आपको अपनी निगाहें एक दूसरे पर रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, किसी के भी ऊपर अपनी जिम्मेदारी नहीं छोड़नी है। आगे सितारे इस बात को लेकर भी संकेत दे रहे हैं, जो इंसान 2 नंबर वाला काम करते हैं, जैसे कि कोई मिलावट वाला काम करते हैं, तो उसमें उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके ऊपर कोई जांच पड़ताल या गलत आरोप लग सकता है जिससे वह बुरी तरह से फंस सकता है। ऐसे में भावनाओं में बहकर आप किसी के भी साथ जल्दबाजी में कोई प्रॉमिस ना करें, वरना लोग आपके इस स्वभाव का नजायज फायदा उठा सकते हैं। बच्चों को उनके मन मुताबिक कार्यों में कुछ समय अवश्य व्यतीत करने दें, इससे उनका बौद्धिक विकास में जो है बेहतरीन तरीके से होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगी, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगी, देखिए दोस्तों इस समय किसी भी तरह की आवाजाही ना करें, क्योंकि इसमें समय और पैसा व्यर्थ होने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। ध्यान रखें कि प्रत्येक गतिविधियों में स्वयं की कार्य क्षमता पर विश्वास भी रखना जरूरी है, दूसरों की बातों में आकर नुकसान कर सकते हैं। आपको इस समय खासकर अनजान व्यक्ति से थोड़ा दूरी बनाकर चलना होगा, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा।
आप अपनी दिनचर्या में कुछ परिवर्तन लाएंगे तथा अधिक से अधिक समय अपने परिजनों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करेंगे। आपके नेतृत्व में कोई विशेष जो है गतिविधि संपन्न होगी। बच्चों की किसी नकारात्मक गतिविधि से आप जो है गर्वित महसूस करेंगे, लेकिन अपने गुस्से और आवेश पर आपको इस समय काबू रखना चाहिए, अन्यथा आपका ही नुकसान होगा। किसी नज़दीकी संबंधी के साथ कहा सुनी होने की वजह से चिंताजनक स्थिति बन सकती है। आपको इस समय शांत बने रहना ही उचित है और किराएदार संबंधित मामले में सुलझने में अभी समय लगेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, देखिए दोस्तों, दिन की शुरुआत किसी सुखद समाचार से होगी। आर्थिक योजनाएं भी सफल होंगी और उसके दिमाग में नए नए योजनाएं उपजेंगी जो घर तथा व्यवसाय दोनों के लिए उचित साबित होगी। शॉपिंग आदि में मधुर समय व्यतीत होगा और कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून मिलेगा और बहुत अधिक मेहनत व थकान की वजह से कभी कभी चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी हो सकता है। लोगों पर अपनी मर्जी थोपने का प्रयास इस समय आपको नहीं करना है। जो भी काम है खुद ही करने का प्रयास करें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अधिक व्यस्तमपूर्ण दिनचर्या रहेगा और आपको अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम भी हासिल होंगे। आप शारीरिक और मानसिक रूप से ऊर्जावान महसूस करेंगे। प्रॉपर्टी खरीद परोस संबंधित अगर कोई योजना है तो उसे आप जैसा है वैसे ही रहने दें। उस पर अभी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, अन्यथा आपके लिए जो है नुकसानजनक स्थिति रह सकती है। पारिवारिक माहौल में चल रहे तनाव को भी आपसी सहयोग द्वारा सुलझाने की कोशिश करें। निकट संबंधी को आपके भौतिक और भावनात्मक रूप से मदद की ज़रूरत पड़ सकती है, परंतु दूसरों की मदद के साथ साथ अपने कार्य पर भी ध्यान दें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी बिजनेस को लेकर बात करें तो यह समय बिजनेस में बहुत अधिक तरीके से अपने काम को पूरे करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ न कुछ व्यवधान बने रहेंगे। जोखिम वाले कार्यों से दूर रहें। नौकरी पैसा लोगों को कोई अनचाहा कारभार मिलने से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा। वहीं दोस्तों, कारोबारी गतिविधियों में कुछ न कुछ व्यवधान बने रहेंगे। किसी पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग व सलाह आपके लिए भाग्यदायक रहेगा, इसलिए उनकी किसी भी बात को नज़रअंदाज अभी आप ना करें। अगर आपसे कोई बड़े बुजुर्ग है कोई सलाह दे रहे हैं तो आप उनका कभी कभी मान लीजिए, क्योंकि वो सलाह किसी वरदान से कम नहीं होता है। नौकरी पैसा लोग अत्यधिक कारभार की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे, लेकिन आपको इस समय तनाव मुक्त रहना चाहिए, जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। अनुकूल समय चल रहा है। करियर और कार्य क्षेत्र में बेहतरीन के लिए की गई कोशिशें सफलता मिलेगी। भविष्य संबंधित योजनाओं को मूर्त रूप देने का भी कोशिश काफ़ी हद तक सफल होंगी। सरकारी सेवारत लोग अपने कार्यालय में ही किसी के साथ बात विवाद हो सकता है, इस बात का ज़रा आपको ही ध्यान रखना होगा। पति पत्नी के बीच उचित तालमेल बने रहने से घर में भी व्यस्तता अच्छी बनी रहेगी। प्रेम संबंधों में काफ़ी ज़्यादा नज़दीकियाँ बनी रहेगी।